चौपाल में इकट्ठे हुए सम्मानित साथियों, पत्रकार भाइयों, मंच पे नेतागण, दोस्तों, जो बात मुझे कहनी चाहिए वो बात भाई जुबेर ने बताई। बहुत साफ साफ बात है, मैं बेशक भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होने के बाद भी हम आपके बीच में मीटिंग कर रहे हैं, है हिम्मत किसी की? बोलो, किसी की हिम्मत है? लेकिन ये हिम्मत नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये हिम्मत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया कि जब हम 140 करोड़ की रहनुमाई हम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं हमारी आपकी, और मुख्यमंत्री जी 25 करोड़ आबादी की, उन्होंने कभी तो नफरत नहीं कहा। नफरत कौन बता रहा है जो आपका वोट लेकर के आपको नफरत बांट रहा है? मैं गारंटी के साथ कहता हूं साथियों, मोदी जी योगी जी के राज में और आजादी के बाद पहली बार आईएएस के कंपटीशन में 51 बच्चे मुसलमानों के आए हैं, पास हुए 51 बच्चे, ये पहला इतिहास है। क्यों आए? भाजपा के राज में तो नहीं आना चाहिए। आज मोदी जी के राज में योजना बनी आयुष्मान कार्ड, 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए। क्या कहीं हिंदू मुसलमान है का? मोदी जी के राज में योजना बनी उज्ज्वला योजना, क्या कहीं हिंदू मुसलमान है क्या? राशन बट रहा है, कहीं हिंदू मुसलमान है क्या? आप गौर करो जरा, बहुत सी योजनाएं जो लागू हैं, प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? आपसे दोस्ती करने के लिए ओम प्रकाश राजभर को भेजा है, आपकी बेहतरी के लिए भेजा है। आप हमारे साथ एक बार आओ और हम मोदी जी को विश्वास दिलावे कि देखो भाई, प्रधानमंत्री जी ये लोग आपके साथ दोस्ती करके अपना विकास चाहते हैं। मैं तो पढ़ा हूं, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। लेकिन आप क्या करते हो? बीमारी गिनाते हो, बीमारी गिनाते हो। हम मदद किसकी करते हो? अखिलेश यादव जी, मायावती जी की और सोनिया जी की, और मोहम्मद साहब को मानते हो। मोहम्मद साहब ने कहा है, बेकस बेपना लाचार कमजोर मजलूम की मदद करो। आप मोहम्मद साहब को मानते हो, सबसे मजलूम सबसे कमजोर उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो वह अखिलेश यादव जी, मायावती जी हैं, सोनिया गांधी हैं। आप मोहम्मद साहब को पढ़ते हो, हम तो थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन आप उठा के देखो ओम प्रकाश राजभर, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पावर दिया वोट का, थोड़े से इलाके में, थोड़े से इलाके में इस वोट के पावर को इकट्ठा किया। आज बताओ, देश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? देश की राजनीति में क्यों आ गया? सच बोलता हूं, सच बोलता हूं, और जिसके साथ रहता हूं ईमानदारी के साथ सीना ठोक के रहता हूं, हम यहां हैं। बहुत साफ साफ बात, हम आपके बीच में आए, हम आपको एहसास कराने आए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो गुलाम अपनी बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। अब आप कहोगे कि हम कहां गुलाम हैं? आप देखो, आजादी के बाद नौकरियों में आप 38% थे, आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था,
आप कांग्रेस को बोरा का बोरा वोट दे दिए, आपने बोरा का बोरा वोट सपा को दे दिया, आपने वोट दे दिया बसपा को, लेकिन 38% रहने वाली नौकरियों में कौन आज 1% नहीं रह गए हो। किसका दोष है? भाजपा का दोष है? हमारा दोष है? ये दोष अगर है तो सपा बसपा कांग्रेस का दोष है, भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उदाहरण देख लो, कांग्रेस और सपा की सरकारें हुआ करती थी तो देश और प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी 7 साल के ऊपर हो गया, 75 जिले हैं, 25 करोड़ आबादी, एक भी दंगा हुआ का? कहीं कर्फ्यू लगा का? कानून का राज जो संविधान है, संविधान के दायरे में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कानून का राज रहेगा, हम कानून के बदौलत शपथ लिए हैं संविधान की सुरक्षा के लिए, संविधान के तहत सबको हक अधिकार देने के लिए। योजना तो है, हम भी कह रहे, हम आपके बीच में हैं, हम भी तो आपसे कह रहा हूं, एक काम करो, आपके इलाके में जो समस्याएं हैं, एक हमारा बड़ा तबका बुनकर है यहां, बुनकर को लोग मुसलमान समझते हैं, मुसलमान ही बुनकर नहीं है, वो हिंदू भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग बुनकर का काम करते हैं। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, कई हजार राजभर, बिंद, केवट, मल्लाद, चौहान, पाल, प्रजापति, कुम्हार, नाई, आज उसकी अगर बुनाई का काम न करे तो उसके घर 2 जून की रोटी न मिले, ये स्थिति है। लेकिन जोड़ा कहा जाता है कि बुनकर माने मुसलमान। और मैं कहना चाहता हूँ, मुझे योगी जी और मोदी जी ने कहा कि सच कहो जाके उनके बीच में, कि जिस तरह किसान को किसान सम्मान निधि मिलती है उसी तरह बुनकर को भी बुनकर सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार देने का काम करेगी, हम इनको भी देने का काम करेंगे। जो सब्सिडी किसान को मिलती है खाद, बीज, पानी, दवाई पर, वही सब्सिडी हम बुनकर को भी देना चाहते हैं। वही काम जो किसान को दुर्घटना बीमा है, वही दुर्घटना बीमा हम बुनकर को भी देना चाहते हैं। आपकी समस्या मुझे मालूम है, बड़ी समस्या है बिजली की। बोलो, बिजली की समस्या है कि नहीं? कितने लोगों को बिजली की समस्या, जरा हाथ उठाओ, जिसको जिसको जानकारी है। इसके निदान के लिए बहुत नहीं, मैं बहुत कुछ नहीं कहता, लेकिन खुली किताब की तरह कह रहा हूं, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है, नोट कर लेना। जो माहौल है वो बनेगा 24 में, और 3 साल योगी जी मुख्यमंत्री तो रहेंगे कि कोई हटा देगा? कोई नहीं हटा सकता। 3 साल ये भी रहेंगे और अब 5 साल वो भी रहेंगे। 5 साल के अंदर गरीबों घरेलू बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, यह कानून मोदी जी देश में लागू करना चाहते हैं। जो बिजली की समस्या हमारी आपकी है, उस समस्या का निदान करना चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं, बेरोजगारी चरम पे है, हम भी चाहते थे, हम भी देख रहे हैं, हम पावर लूम चला रहे हैं, तो हमारा बेटा भी पावर लूम चलाएगा।